झुंझुनू में बीते 24 घंटों में दो नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से दहशत का माहौल है। दोनों ही पॉजिटिव युवक विदेश में रहते थे। एक युवक 29 फरवरी को सऊदी के रियाद से लौटा था। चिकित्सा विभाग के सर्वे में युवक बीमार मिला, जिसके बाद आइसोलेशन में उसे भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल युवक को जयपुर रेफर कर परिजनों की भी स्क्रीनिंग लगातार हो रही है। पड़ोसियों पर भी प्रशासन नजर बनाए है। वहीं चिकित्सा विभाग के सामने इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती उसकी करीब एक महीने की ट्रैकिंग हिस्ट्री होगी, क्योंकि महीने भर में ये युवक कई जगहों पर गया होगा। वहीं दूसरा केस आज सुबह सामने आया, जो बाकरा रोड का रहने वाला है। वो युवक भी 23 मार्च को ही विदेश से लौटा था, जो 24 मार्च से आइसोलेशन में फिलहाल है, और फिलहाल झुंझुनू में ही उसे आइसोलेट कर रखा है।